Good morning, friends. This is your host Ashish Burwa from Burwa's Way. Today is 13th of July 2022. Welcome to pre-market analysis on currency. Please watch till the end to get the most information. Before we start, please like the video as it inspires me to put more effort and make new, better, creative and effective content for you. Without further ado, let's begin. डॉलर इंडेक्स दोस्तों अभी है 102.23। आज शाम को यूएस सीपीआई है, वेरी क्रिशियल। उसके ऊपर पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट्स दारोमदार है कि यूएस ट्रेजरी रेट्स कितना बेसिस, वेदर 50 बेसिस पॉइंट्स और 75 बेसिस पॉइंट्स या समथिंग एल्स, तो वो डिसाइड करेंगे आज का यूएस सीपीआई डेटा। इमीडिएट जो डॉलर इंडेक्स का रेजिस्टेंस है वो है 109.50 के आसपास। डॉलर रुपी में हम देखेंगे, कल एक जो ट्रेडिंग रेंज था दैट इज 79.41 एंड 79.66। ये जो लेवल है वेरी क्रूशियल लेवल्स है, मींस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 80 द मैजिकल फिगर मे टच। लेकिन क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल अलाउ, that is a much bigger question. They are trying their level best. इसके लिए उन्होंने already दो measures ला चुके हैं and also few more measures are in the pipeline. We need to be very careful about the strength or the repercussions or the result outcome of that those measures that the Reserve Bank of India is going to implement in near future. GBP dollar में हम देखेंगे, कल एक doji candle बनाया हुआ है, a pin bar type of candle and it traded in between 1.1807 and 1.1915, a 100 pips range. It's an early indication. ये जो doji है इसके लिए मैं just shortly एक video लेके आने वाला हूँ, आप वो video देखिए। What doji means? Doji on a downtrend is not a reversal candle, it's a pause candle. Confirmation is required. Confirmation कहाँ पे होगा? ये उसका जो previous candle है इसके high के ऊपर जब एक बार क्लोज दे देगा, इट विल बिकम अ मॉर्निंग स्टार एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रिवर्सल कैंडल। इसके लो के नीचे अगर कंटिन्यू करता है तो फर्दर कंटिन्यूशन हो जाएगा। तो जीबीपी डॉलर के लिए आज इसके लिए भी काफी क्रूशियल है। यूरो डॉलर में भी एक स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, इट्स नॉट ए पिन बट जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन जीबीपी डॉलर doji candle and euro dollar doji candle. euro dollar doji candle jo open and close hai almost middle pe hai, yani ye another pause candle hai. iske further jo outcome hai hame intezar karna padega. previous day candle ke high uske upar hum reversals ke liye soch sakte hain, else सेलिंग मोमेंटम बरकरार है रिवर्सल्स का। एज ऑफ नाउ कुछ सिग्नल्स नजर में नहीं आ रहा है। डॉलर येन कल ये जो स्विंग हाई है उसमें थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 136.47 एंड 137.53, अनदर 100 पिप्स। यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि सेल ऑफ के लिए सेलिंग के लिए कोई इंडिकेशंस है ही नहीं। सेलिंग की इंडिकेशंस के लिए हमें काफी टाइम से इंतजार है, लेकिन ये बाई पे बाई हाई पे हाई बना रहा है। जीबीपी आईएनआर डेली जो है अनदर डोजी कैंडल है, इट्स अ पॉज कैंडल। इसको अगर हमें बाई के लिए देखना है तो उसके पहले वाला दिन दैट इज इसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा एंड इसके लो के नीचे, डोजी कैंडल के लो के नीचे फर्दर सेल ऑफ विल कंटिन्यू। यूरो आईएनआर
यहां पर भी एक डोजी कैंडल है, इसका भी सिमिलर है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे देता है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिवर्सल। उसके लो के नीचे कंटिन्यूशन इन द डाउनवर्ड साइड। जेपीवाई आईएनआर, ये कंसोलिडेशन के बाहर निकालने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन वी कैन लुक फॉर सम ट्रेंडेड मूव। डॉलर कैंडी, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे काफी टाइम पास कर रहा है। आज का यूएस सीपीआई एक क्रूशियल डेटा है, इसके ऊपर ये मेक और ब्रेक। अगर ऊपर की तरफ जाता है देन द इमीडिएट रेजिस्टेंस विल बी एट 1.3400। इसको अगर नीचे आना है तो ये 1.28 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा ऑन ए आवरली बेसिस। देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी ये नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में ये कल एक कंसोलिडेशन कैंडल देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.6710 एंड 0.6779। जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, बियर्स आर क्या है कि काफी स्ट्रेंथ में है। बियर्स यानी सेलर्स आर एट स्ट्रेंथ। तो इसको अगर ऊपर की तरफ देखना है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इसके लेवल के हाई के ऊपर, दैट मींस 0.6850 के ऊपर इसको क्लोज देना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ बाइंग के लिए सोच सकते हैं। इसके लो के नीचे थोड़ा सेल ऑफ एंड विद इन दैट रेंज साइडवेज मूवमेंट। डॉलर सीएनएच, ये एक क्रूशियल लेवल पे है क्योंकि हम काफी टाइम से ये ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं। ये ट्राइंगल ब्रेकआउट कल ये हाई टच किया था लेकिन उसको ऊपर क्लोज दे नहीं पाया। इट्स ए क्रूशियल लेवल डॉलर सीएनएच के लिए भी। इसके हाई के ट्राइंगल के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, दैट इज 6.80 एंड उसके बाद ये होगा आपका 6.85। यूके ऑयल कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 106.51 एंड 98.97। तो जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस है, 97 के ऊपर डेली बेसिस पे जब तक क्लोज नहीं दे देता है उसके बाद लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस, देन वी मे एक्सपेक्ट 70.00। अभी ये रेंज के अंदर में ही है, 97 ऑन द लोअर साइड एंड 124 ऑन द हायर साइड। इसके बीच में ही अपना जो वॉलेटाइल चॉपिनेस है करता रहेगा। यूएस 10-year ट्रेजरी कल एक लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हो गया है एंड ये जो ट्रेड हुआ है ये 2.899 एंड 2.998 के बीच में था। आज का सीपीआई इज गोइंग टू मेक द डिसाइसिव एक्शन, क्या ये स्विंग हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगा या ये जो स्विंग लो है इसके नीचे कंटिन्यू करेगा। इसके हाई के ऊपर कंटिन्यू करता है तो चॉपिनेस विल अगेन कम इनटू प्ले। इसके लो के नीचे एक डाउनवर्ड ट्रेंडेड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस है अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, इट हेल्प्स आउट ग्रेटली। थैंक यू अगेन, दिस इज आशीष बरुआ फ्रॉम बरुआज वे साइनिंग आउट।